हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू नमकीन बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। पहले से हमने आलू को छीलकर धुलकर पानी में डाल दिए हैं। अब इसको हम एक दूसरे बर्तन में पानी लेंगे और इसको हम साइड कर लेंगे। ऐसे मोटे कद्दूकस करने वाले से इसको हम कद्दूकस करेंगे। आलू को लाछा बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हम सारे आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए सारे आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे पानी से 3 से 4 बार साफ पानी होने तक धो लेंगे। देखिए इसको हम धो लिए हैं और पानी कितना साफ हो गया है। तव लेंगे, इस पर हम आलू को पानी से निकाल कर इस पर हम डालकर फैला देंगे और इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे सारे पानी को। यह चाहे तो आप थाली में करके पंखे के नीचे 2 से 3 मिनट के लिए रख सकते हैं ताकि अच्छे से पानी इसका सूख जाए। देखिए पानी सूख गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रखकर और तेल को गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब इसमें हम थोड़ा सा ये आलू लच्छा डालकर देख लेते हैं तेल गर्म हुआ है या नहीं। देखिए तेल एकदम प्री हीट चाहिए, पूरा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम आलू का लच्छा जो बनाए थे वो डाल देते हैं। एक बार में जितना आए उतना ही डालेंगे। ये अपने आप झाग खत्म हो जाएगा। देखिए आलू का झाग खत्म हो गया है। थोड़ा सा और हम इसको फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा अच्छे से कुरकुरा भी हो जाए। देखिए इस पर अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम प्लेट में टिश्यू पेपर डालकर निकाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ऐसे ही हम सारे आलू लच्छे को तल लेते हैं। सारे आलू नमकीन को तल कर निकाल लिए हैं। अब इसी तेल में हम ये मूंगफली हम डालकर भून लेंगे। देखिए मूंगफली भी भुना गया है। गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं और मूंगफली को हम निकाल देते हैं। मूंगफली को हम निकाल लिए हैं। अब इसी में हम मूंगफली को डाल देते हैं। अब इस नमकीन को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। इधर दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च डाल देते हैं। स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देते हैं और अच्छे से हम मिला लेते हैं। आप जो मसाला खाते हो वो डाल सकते हैं। अब इसको एक बार बनाइए और पूरे नवरात्र आराम से खाइए। नमकीन बनकर तैयार हो गया है। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।